हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएल लेट बीटीसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता भी लग गया होगा कि जो जेई और नीट की परीक्षाएं जुलाई के लास्ट में होनी थी, ठीक है, अब उनको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या आपका एग्ज़ाम को क्या किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब जो अगली डेट जो जेई और नीट की जो आई है वो सितंबर माह में आई है, तो अगर डीएलएड का भी एग्ज़ाम सितंबर माह में होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इससे बेटर है कि इसको प्रमोट कर ही देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रिय विद्यार्थियों, मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो अब तो ये कन्फर्म है कि आपका भी एग्जाम जुलाई के लास्ट में नहीं हो सकता है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि बीएड का एग्जाम हो रहा है 29 जुलाई को, तो फ्रेंड देखिए वो जुलाई के लास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो वो तो चलिए डेट शीट आ गया है, बट अभी जो पीएनपी है आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि परीक्षाओं की नई तारीखें हैं। जेई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और जेई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर की होगी और जो नीट की परीक्षा है वो 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जुलाई का लास्ट जो डेट दिया गया था इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और अब सितंबर माह में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और उसके बाद हम थोड़ा और नीचे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो लखनऊ एलयू और टू ने परीक्षाएं स्थगित की, और आप देख सकते हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र कर रहे थे विद्रोह, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उन्होंने अपना जो डेटशीट है वो जारी कर दिया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था और वो भी परीक्षाएँ अब स्थगित कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डीएलएड की। ठीक है, देखिए फ्रेंड, डीएलएड का एग्ज़ाम इसको प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ये सोचा जाए कि नहीं, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसे क्या होगा कि देखिए, अभी आप सभी को पता है कि एक तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लस जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि उनका फोर्थ सेमेस्टर भी पूरा हो गया और जो फर्स्ट सेमेस्टर में हों उनका सेकेंड सेमेस्टर भी पूरा हो गया, तो इस तरीके से मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे प्रशिक्षु और जो उनकी तैयारी है। और यहां तक कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम तो लग रहा है अब पागल ही हो जाएंगे, और बिल्कुल ही सही बात कह रहे हैं क्योंकि इतना कंफ्यूज, एक तो कोई भी नोटिस नहीं जारी कर रही है पीएनपी कि हाँ आप लोग सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से करो, आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इसको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। बट इसके संबंध में अभी तक, ठीक है, हम अगर आप सभी को बताएं कि 23 मार्च को या फिर जब हमारा जब एग्ज़ाम स्थगित हो गया था उसके बाद पीएनपी ने एक बार नोटिस जारी किया था, उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी जो फोकस करना है वो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही मतलब चिंता ना करो। अब कोई क्या ही कर सकता है जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है पीएनपी की तरफ से कि क्या वो डीएलएड का एग्ज़ाम प्रोन्नति होगा या फिर इसको एग्ज़ाम कराया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी सवाल आ रहा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है दोनों एक साथ करवाए जाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर दोनों या थर्ड सेमेस्टर इस तरीके से मतलब अभी स्थिति सामान्य नहीं होगी। ठीक है, अगर वही हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो सेम प्रोसेस उसमें यही है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि जो परीक्षाएं हैं उनको, डीएलएड की परीक्षाएं हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए ताकि जो भी प्रशिक्षु हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल आ रहा था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोन्नति कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हो सकता है कि 50% जो आपका यूनिट टेस्ट होता है उसके आधार पे आप सभी को प्रोन्नत कर दिया जाए, या फिर जिस तरीके से एडमिशन होता है उसके आधार पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एडमिशन किया जाता है उसके आधार पर अगर नंबर दिया जाता है, तो फिर जो डाइट वाले प्रशिक्षु होते हैं उनका जो मार्क्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज वालों का तो उनका कम होता है। तो फिर इस तरीके से मार्क्स प्रोन्नत जब प्रमोट हो जाएगा तो फिर मार्क्स जो डाइट में प्रशिक्षु होंगे उनका ज़्यादा हो जाएगा और जो प्राइवेट में होंगे उनका कम हो जाएगा। तो गाइज, आप इसके लिए चिंता ना करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूनिट टेस्ट के आधार पर हो सकता है कि कोई भी नियम ऐसा, कोई भी नियमानुसार उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके संबंध में अगर प्रमोट किया जाता है तो जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था कि आप बिल्कुल ही मतलब चिंता न करिए। ठीक है, आप अपना जो प्रिपरेशन है वो सेकंड सेमेस्टर की कीजिए। जब एग्जाम अगर प्रमोट PMP नहीं करती है तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो जब डेट सीट आए तभी आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करो, वरना अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पे फोकस करो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इन्फो जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।